हमास और इसराइल में जारी जंग के बीच शनिवार को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल शनिवार को अरब सागर में इसराइल से संबद्ध जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो यह हमला गुजरात के वेरावल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में किया गया है। हमले के बाद जहाज में आग लग गई, लेकिन समय रहते आग को बुझा दिया गया। ये जहाज सऊदी अरब के एक बंदरगाह से भारत के मंगलौर आ रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो आग तो बुझ गई है, लेकिन कामकाज पर इसका असर पड़ा। जहाज पर केमिकल प्रोडक्ट लदा हुआ था। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में एक इजराइल संबंध व्यापारिक जहाज को एक मानव रहित हवाई जहाज यानी कि ड्रोन ने टक्कर मार दी, जिससे जहाज में आग लग गई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एम्ब्रे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के वेरावल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हुई इस घटना में बिना किसी हताहत के टैंकर में लगी आग को बुझा दिया गया। जहाज में कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज हुई है, जिससे कामकाज पर असर पड़ा है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इंडियन नेवी इस हमले का जवाब दे रही है। नेवी के अधिकारी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आसपास के क्षेत्र में भारतीय नौसेना के युद्धपोत अरब सागर की ओर जा रहे हैं। इजरायली जहाज पर यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब हाल ही में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर जाने वाले इजरायली जहाजों को निशाना बनने की चेतावनी दी थी। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई व्यापारिक जहाजों को अपना निशाना भी बनाया था, जिस वजह से व्यापारिक जहाजों को रूट बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। नवंबर महीनों में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक मालवाहक जहाज को हाईजैक भी कर लिया था। इजरायली जहाज पर हुए हमले की जांच के लिए भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICGS विक्रम को भेजा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो जिस जहाज पर हमला किया गया है उसका नाम MV कैंप प्लूटो है। जहाज में कच्चा तेल लोड है। ये जहाज समुद्री अरब से एक बंदरगाह से मैंगलोर आ रहा था। ICGS विक्रम को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की गश्ती के लिए तैनात किया गया था। डिफेंस अधिकारी की माने तो क्षेत्र के सभी जहाजों को सहायता प्रदान करने के लिए सतर्क कर दिया गया है। लेकिन हूतियों का क्या ये अटैक भारतीयों के लिए है, ये एक बड़ा सवाल। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।